सवाल आएगा, हाउ माइट मुस्लिम्स यूज द कुरान टू हैव अ क्लोजर कनेक्शन विद गॉड, या फिर सवाल आएगा व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग्स ऑफ कुरान इंपॉर्टेंट। जो भी सवाल आए आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब आप लोग खुद पहले माइंड के अंदर सोचे, मैं आप लोगों को 3 मिनट दे रहा हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊंगा और इसका आंसर समझाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की थिंकिंग लेवल कितना है, आप लोगों को कितनी चीजें आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें 4 मार्क्स वाले रिपीट नहीं होते, बहुत कम रिपीट होते, तो आपका थिंकिंग लेवल क्या है, आप कितना सोच सकते हैं, तो आप लोग सोचें। सही है, आप लोग 1 से 2 मिनट है, सोचें किसका आंसर क्या हो सकता है, कि कैसे हमारा क्लोजर कनेक्शन विद गॉड हो सकता है अगर हम कुरान यूज करें, कैसे टीचिंग ऑफ कुरान इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी सोचकर मुझे बताएं, बताएं नहीं बल्कि खुद सोचें, वरना अभी आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि हमें कुछ आता नहीं है। सही है, अभी आप लोग सिर्फ सोचें, और जब सोच लें मैं आपको 1 मिनट के बाद फिर आंसर बताना शुरू कर दूंगा। अभी आप लोग सब अपने माइंड में सोचें कि ये आंसर हो सकता है। जैसे ही 10:55 हो तो आपका आंसर शुरू हो। चले भैया, 10:55 हो। अब आपके पास देखिए सबसे पहला पॉइंट, कुरान इज द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉज, ये बात मैंने आपको कुरान के अंदर बताई थी। अब कुरान जो है वो इस्लाम की फाउंडेशन है, और फाउंडेशन है इस्लामिक लॉज। अब कुरान हमें ये बताता है कि आपने कैसे रहना है, अल्लाह आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपके पास जो है आपने अपनी जिंदगी अल्लाह की उसमें किस तरीके से गुजारनी है। तो अगर मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान पढ़ने से क्या होगा कि मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा जैसे अल्लाह चाहते हैं, तो उससे मेरा और अल्लाह का रिलेशन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सही है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं कुरान को पढ़ना शुरू कर दूं तो क्या होगा, होगा ये कि मुझे कुरान का मतलब समझ आएगा। जो कुरान को अगर पढ़ना शुरू कर दूं, कुरान को समझना शुरू कर दूं, तो मुझे उसका मतलब समझ आएगा। और मैं इसीलिए देखें, कुरान एक बच्चा सिर्फ पढ़ता है। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं हाफिज हूँ। सही है, और जब मैं 9 साल का था ना, 10 साल का, तो मैंने हिफ्ज कर लिया था कुरान अपना। सही है, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ही अर्ली एज के अंदर क्या करा दिया, कुरान हिफ्ज करा दिया। आपको लगेगा सर ने बहुत जल्दी हिफ्ज कर लिया था अपनी जिंदगी में, कर लिया, लेकिन उस वक्त हमारे दिलों के अंदर उस कुरान की उतनी रिस्पेक्ट नहीं होती थी जितनी आज है, क्योंकि अब हम बड़े हो गए, अब हमें पता चल गया है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। एक जमाना होता था जब हम भी आप लोगों की तरह बिगड़े हुए बच्चे होते थे, तो हमारे पास क्या है कि वो तो और ज्यादा बच्चे थे। 9 साल का बच्चा क्या होता है, छोटा सा बिल्कुल बच्चा है, और उसको हमने कुरान क्या करा दिया, हिफ्ज करा दिया। अब उसको मतलब नहीं पता, तो वो कुरान उतना उस रिस्पेक्ट से नहीं पढ़ेगा, उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा अगर उसको मतलब के साथ पढ़ाया जाता। अगर मुझे मतलब के साथ कुरान पढ़ाया जाता तो आज मैं जो अपनी लाइफ के अंदर जो गलत फैसले करके आया या कुछ चीजें गलत करके आया, वो चीजें मैं गलत नहीं करता। हालांकि मैं हाफिज हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें की होंगी जो कि गलत होंगी, किसी को गाली दे दी होगी, किसी को वो दे दी होगी, लेकिन अगर मैंने कुरान का मतलब समझा होता तो मैं आज थोड़ा और अच्छा होता। सही है, उसके बाद अब आप बोलेंगे सर कुरान को पढ़कर भी बहुत सारे ऐसे हैं। बेटा अगर किसी ने पूरा कुरान को प्रॉपर तरीके से पढ़ा होगा, कुरान को समझा होगा, तो कभी भी वो गलत उस पर नहीं जाएगा। सही है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि देखें, अब जैसे मैं डेली बेसिस पे, अब जब मैं इस्लामियात पढ़ाते हुए मुझे अप्रोक्सीमेटली 6 साल हो, अब मैं इस्लामियात को जो है वो मुझे जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं बच्चों को, तो मुझे प्रिपेयर करना है। तो मैं कुरान की क्या करता हूँ, कुरान की अब मैं मीनिंग भी साथ साथ कर रहा हूँ, उसकी तफसीर भी पढ़ रहा हूँ। तो अब जो कर रहा हूँ तो उससे मेरी लाइफ में क्या आ रहा है, ज्यादा बेहतर चेंज आ रहा है, पहले उतना बेहतर चेंज नहीं आ रहा था। तो कुरान को अगर मैं अंडरस्टैंड करूंगा तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कुरान जो है बंदा अरेबिक में पढ़ रहा है वो सिर्फ रट्टा मार रहा है या फिर सिर्फ उसको पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो उसका मतलब समझ रहा है तो उसको पता चल रहा है कि अल्लाह मुझसे चाहता क्या है। सही है, तो एक तो ये चीज हो गई। फिर आपके पास क्या, कुरान खुद फरमाता है इंडीड दिस कुरान गाइड्स यू टुवर्ड्स द मोस्ट राइटियस वे, और अगर हम कुरान को फॉलो करें तो हम अल्लाह के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो अल्लाह के जब ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह हमसे खुश होगा और अल्लाह से हम क्या हो जाएंगे, करीब हो जाएंगे। और ये आपके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, तो आपके पास क्या है कि ये इसलिए कुरान की इतनी इंपॉर्टेंस है और कुरान हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर। तो ये आपके पास जब आप इन 4 पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5, आप जब इन पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, वो कंपाइल करेंगे या फिर इसको मर्ज करेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर आंसर बन जाएगा। मेरे नोट्स के अंदर इसका प्रॉपर आंसर लिखा हुआ है,
लेकिन मसला ये हो चुका है जिस पीडीएफ व्यूअर से मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, वो मसला ये है कि आपके पास उसके अंदर क्या मसला आ रहा है। उसके अंदर मसला ये आ रहा है कि वो पीडीएफ व्यूअर अभी चल नहीं रहा क्योंकि अपडेट आई हुई है। तो आपके पास क्या है, हाउ माइट मुस्लिम्स यूज द कुरान टू हैव अ क्लोजर कनेक्शन विद गॉड, और व्हाई इज अंडरस्टैंडिंग टीचिंग ऑफ कुरान इंपॉर्टेंट। तो आप ये बताएंगे कुरान जो वो बुक आई है वो किसकी तरफ से आई है, अल्लाह ताला की तरफ से आई है। ये बुक कभी करप्ट नहीं होगी, इसकी अल्लाह ताला ने खुद गारंटी ली है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान के अंदर जो बातें लिखी हुई है, जो चीजें लिखी हुई है, वो अल्लाह ताला में गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी जिंदगी फॉलो करनी है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। तो ये हमें बता रहे हैं जिंदगी गुजारने का तरीका, हमें सीधी राह दिखा रहे हैं। और अगर हम कुरान को फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अल्लाह ताला को फॉलो कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे, और जब अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएंगे तो हम अल्लाह ताला से एक अच्छा कनेक्शन बना लेंगे। सही है। और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है, मतलब ये हर लॉ की फाउंडेशन है। तो मतलब अगर आपने कुरान को समझ लिया तो आपने इस्लाम को समझ लिया। तो मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया। इसके बाद बेटा सवाल है, व्हाई सम स्कॉलर्स रिजेक्ट द यूज ऑफ कियास, क्यों कियास को रिजेक्ट कर दिया जाता है। बेटा मैंने आपको कियास का मतलब क्या बताया था, कियास का मतलब ये बताया था कि इसके अंदर मोस्टली एक बंदा इन्वॉल्व हुआ होता है, वो कुरान और कुरान को या हदीस को कंपेयर करते हैं विद द न्यू प्रॉब्लम और उसका नई रूलिंग देते हैं। अब कियास बेसिकली इट इज अ मैंस एनालिसिस, एक बंदे का एनालिसिस है। देखिए मेरा एनालिसिस है, मैं अगर किसी चीज पे कोई रिसर्च कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं है वो रिसर्च सही हो, गलत भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। सही है। तो कियास के अंदर मैंस एनालिसिस इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन निकलेगा वो 100% परफेक्ट होने के चांसेस कम है, 100% परफेक्ट ऐसा नहीं हो सकता। सही है। जैसे मैं अपने नोट्स की तारीफ खुद करता हूँ कि भाई मेरे जैसा टीचर आपको पूरे इस्लामियात या पाकिस्तान शरीफ के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि आई एम द ओनली टीचर जिसने प्रॉपर आंसर्स बनाए हुए हैं अपने हर पास पेपर क्वेश्चन के। सही है। लेकिन 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता ना, इंसान हूं। तो कियास के अंदर भी मैंस एनालिसिस इन्वॉल्व है तो वो भी 100% परफेक्ट नहीं है। अब जब 100% परफेक्ट नहीं है तो 100% रिलायबल भी नहीं, हम उस पर रिलाय भी नहीं कर सकते। क्या पता उसके अंदर अपने बेनिफिट की कोई बात की गई हो, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कियास कर रहा हूँ, क्या पता कियास मैंने अपने मतलब का बना लिया हो, मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी वो आ गई हो और मैंने कियास के अंदर जानबूझ के ऐसी रूलिंग निकाल दी जो मेरे मतलब की हो। क्या पता वो इस्लामिक सोसाइटी के खिलाफ हो, मतलब वो मेरे बेनिफिट पे हो, इस्लामिक सोसाइटी का उसमें नुकसान हो रहा हो। सही है। तो ऐसा भी तो हो सकता है। फिर दूसरा क्या मसला है कि कियास का ये मसला है कि कियास जब एक स्कॉलर करता है तो हर स्कॉलर का डिफरेंट कियास हो सकता है, जैसे शिया हजरात का अलग होगा, सुन्नी हजरात का अलग होगा, तो सुन्नी के अंदर भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं। तो अब कितने सेक्ट्स हैं और हर स्कॉलर अगर अपना डिफरेंट एनालिसिस कर रहा है और डिफरेंट रूलिंग निकाल रहा है तो उससे यह मसला आता है कि यूनिटी पे मसला आ जाता है कि हर बंदा अगर अपना क्यास दे रहा है तो उस पर जंग हो जाएगी कि भाई हम किसका क्यास फॉलो करें। तो डिफरेंट स्कॉलर जब डिफरेंट क्यास देंगे तो यूनिटी गिर जाएगी। क्यास एक स्कॉलर का होता है तो यूनानिमस डिसीजन नहीं हो सकता। सही है। उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रॉफिट ने जो है वो क्यास को बहुत ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंस, जब क्यास की इतनी जरूरत थी तो ये पहले क्यों इतना फॉलो नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, काफी ज्यादा हुआ। लेकिन क्यास अगर हम देखें तो राइटली गाइडेड कैलिसोर के दौर में भी कुछ हद तक इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि कुरान और हदीस में आपको हर चीज मिल जाएगी और अगर नहीं मिले तो इजमा कर ले, लेकिन क्यास आपका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इतना वो नहीं है। सही है। तो ये आपके पास, इसलिए हम क्यास को रिजेक्ट करते हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को ये 4 मार्क्स का सवाल समझ आया कि हम क्यास को क्यों रिजेक्ट करते हैं। फिर बेटा एक सवाल आएगा, हाउ यूजफुल आर इजमा एंड कियास व्हेन डीलिंग विद मॉडर्न इश्यूज, या फिर ये सवाल आ जाए, व्हाई डू यू थिंक कुरान एंड सुन्ना आर नॉट द ओनली सोर्सेस ऑफ इस्लामिक लॉ, सिर्फ कुरान और हदीस ही क्यों नहीं है, इजमा और कियास क्यों आ गए, या फिर सवाल आ जाए कि इजमा एंड कियास क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आपने इसके अंदर क्या आंसर देना है वो आप पहले सोचें। आप लोगों को 1 मिनट दिया जा रहा है, 11:03 हो रहे हैं, 11:04 जैसे ही होंगे, आप लोगों से टाइम खत्म। सिर्फ सोचें, अपनी थिंकिंग लेवल का सिर्फ आप लोग खुद देखें। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी अम्मी से झूठ बोल सकते हैं, आप अपने अबू से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आपका जो थिंकिंग लेवल है आपको खुद पता चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे। सही है। तो सवाल ये है
कि सिर्फ कुरान एंड सुन्ना क्यों नहीं, इज्मा और क्यास की क्यों जरूरत है, या फिर सवाल ये आ जाए कि इज्मा और क्यास में इतना इंपॉर्टेंट है, आंसर सेम, ये मैंने आपको बता दिया। अब सोचें जैसे ये 11:04 हो गए, हम अपनी इस पे वो करेंगे डिस्कशन करो। हो गया बेटा 11:04। अब देखें आपके पास जो कुरान और हदीस है ना, कुरान और हदीस के अंदर क्या है कि कुरान के अंदर हर चीज लिखी हुई है लेकिन कुरान के अंदर डिटेल्स नहीं दी। इसी तरीके से हदीस के अंदर डिटेल्स दी हुई है लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड दी हुई है, क्योंकि सवाल उस हिसाब के क्वेश्चंस के आते थे। सही है, मतलब कंपेनियन आपके हिसाब के सवाल पूछ रहे हैं, तो जो न्यू क्वेश्चन है उसका तो हल निकालना है, उसका हल नहीं निकालेंगे तो कैसे होगा। तो आप ये बोलेंगे कि प्राइमरी सोर्सेस कंटेन एवरीथिंग, दे आर द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक लॉज, बट दे आर लिमिटेड टू द नॉर्म्स एंड कल्चर ऑफ दैट टाइम, वो उस हिसाब के अकॉर्डिंग। नाउ देयर आर एडवांसमेंट दैट नीड मोर क्लैरिफिकेशन, दैट्स व्हाई इज्मा एंड क्यास इज नीडेड। एग्जाम्पल आप क्या देंगे, इज्मा एंड क्यास आर नीडेड टू रिजॉल्व न्यू इश्यूज, टू क्लैरिफाई अनक्लियर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और आप एग्जाम्पल ऑफ क्यास प्लस इज्मा दे देंगे, कुरान प्लस इज्मा, या फिर एग्जाम्पल दे देंगे कुरान प्लस क्यास की। सर कुरान प्लस इज्मा वाली क्या एग्जाम्पल है, वही वाली प्रोहिबिटेड यू आर योर मदर्स एंड डॉटर्स। अच्छा ये जो क्यास प्लस इज्मा है तो एग्जाम्पल ऑफ कुरान प्लस इज्मा, प्रोहिबिटेड यू आर योर मदर्स एंड डॉटर्स फॉर मैरिज। अब उसका सवाल आया, अब वो सवाल उस जमाने में किसी ने करा नहीं होगा या उस पर कोई बात नहीं भी होगी, तो अब जब ये सवाल आया तो इसलिए इज्मा हुआ, और इज्मा पे क्या हुआ कि हमने ये डिसाइड करा कि आप ग्रैंड मदर्स ग्रैंड डॉटर्स से भी शादी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ऑफ कुरान एंड क्यास, Hast earnestly when the call is proclaimed for Friday prayers, hast earnestly to the remembrance of Allah and leave of your business. अब सवाल क्या आया, क्या हम बाइंग भी छोड़ दें, तो ये सवाल उस जमाने में नहीं आया होगा, इस जमाने में आया। दैट्स व्हाई हमने क्या करा कि हमने इसके अंदर लिंक करा, और लिंक करने का हमने कहा कि बाइंग भी हम नहीं कर सकते, तो उस जमाने की बातों को अभी हम क्या कर सकते हैं कि उस जमाने के अंदर जो सवाल आते हुए वो हम उनको इज्मा और कियास से क्या करते हैं सॉल्व। और मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई या फिर नहीं आई। जैनब बेटा आपको समझ आया या कोई कंफ्यूजन? उसके बाद आपके पास सवाल है, डू यू थिंक इज्मा एंड क्यास आर इक्वली इम्पोर्टेंट? तो आप कहेंगे यस दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। क्यों सर? आप ये कहेंगे इज्मा एंड क्यास की गारंटी होली प्रॉफिट ने दी। इज्मा एंड क्यास कंपेनियंस दोनों के दौर में मौजूद हुए। इज्मा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको इज्मा के अंदर मिलेंगी, और कभी कभी ऐसा होगा नहीं मिलेंगी, और जब इज्मा में नहीं मिलेंगी तो क्यास में मिलेंगी। दैट्स वाई दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम जो है वो एक पे सिर्फ रिलाई नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे, यस दे बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, बोथ सोर्सेस यूज बाय कंपेनियन। जैसे कि आप एग्जाम्पल देंगे इज्मा, इज्मा क्या हुआ कि दो अजान होंगी फ्राइडे प्रेयर की, ये इज्मा से डिसाइड हुआ। इज्मा 20 तरावी प्रेयर्स होंगी, वो इज्मा से डिसाइड हुआ। इलेक्शन ऑफ अबू बकर, इज्मा से डिसाइड हुआ। क्यास, हजरत अबू बकर एक दफा जो है वो हजरत अली से पूछने गए कि जिस बंदे ने शराब पी हो या जिस बंदे ने गलत वो किया हो तो 80 लैशेस वाला है कि ड्रिंक करने वाला जो है उसको 80 लैशेस पड़ेंगे, ये इट वॉज डिसाइडेड बाई क्यास। सही है, उसके बाद आप ये बताएंगे एट टाइम्स सम सोर्सेस कैन नॉट बी यूज, सो अदर्स इज सोर्सेस रिक्वायर्ड। इज्मा क्यों हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्टेरियन डिफरेंसेस वाला मसला आ जाता है, क्योंकि इज्मा क्या है, यूनानिमस डिसीजन, काफी उलमास बैठ रहे हैं तो उसमें ये मसला आ जाता है कि हर उलमा बैठे ना बैठे, क्या पता कोई उलमा बोलते कि मैं इस पे एग्री नहीं करता, ये मसला है। क्यास में ये मसला है कि उसमें मेंस एनालिसिस इन्वॉल्व है तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि मैनी स्कॉलर्स रिजेक्ट क्यास, तो हम क्यास यूज कर सकते। तो कुछ सिनेरियोस के अंदर हम इज्मा यूज करते हैं, कुछ सिनेरियोस के अंदर हम क्यास यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस और बाकी को कम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को ये सवाल समझ आया या नहीं आया। फिर सवाल आया, कुरान इज नॉट रेलिवेंट एज इट वॉज 1400 years अगो, गिव टू रीजंस टू एग्री और डिसएग्री। चलो आसान सवाल कर लेता हूँ, आप लोग इससे मुझे बताएं डिसएग्री करेंगे या एग्री करेंगे, सिर्फ ये बता दें तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ कुछ तो आता है। कुरान इज नॉट रेलिवेंट एज इट वॉज 1400 years अगो, गिव टू रीजंस टू एग्री और डिसएग्री। सिर्फ मुझे मैसेज करके ये बता दें कि
कि आप लोग इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। स्टेटमेंट ये कि कुरान रेलेवेंट नहीं है, तो एग्री होगा या डिसएग्री होगा, जल्दी जल्दी बताएं। जैनब बेटा आपका जवाब नहीं आया, रीजंस नहीं बताइएगा। इट्स स्टिल रेलेवेंट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग सारे। तो कुरान रेलेवेंट है, आप लिखेंगे डिसएग्री। अब आप ये कहेंगे कि कुरान रेलेवेंट क्यों है, सही है। सबसे पहले कुरान आपके पास देखें, जितनी भी पुरानी बुक्स आई वो सारी बुक्स जो है वो लिमिटेड इन स्कोप थी, वो लिमिटेड फॉर स्पेसिफिक नेशंस थी, वो फॉर स्पेसिफिक टाइम थी। लेकिन कुरान जो है वो किसके ऊपर आई, होली प्रॉफिट के ऊपर आई। एंड होली प्रॉफिट इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मतलब इनके बाद कोई मैसेंजर नहीं आ रहा। तो जो ये कुरान के अंदर जो मैसेज है ना, ये क्या है, लिमिटेड इन स्कोप नहीं है, ये कंप्लीट मैसेज है, और ये कभी करप्ट भी नहीं होगी। सर करप्ट क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको खुद कुरान गारंटी देता है, अल्लाह गारंटी देता है कि इंडीड वी सेंड डाउन दिस कुरान एंड वी विल श्योरली गार्डेड फ्रॉम करप्शन, सही है। उसके बाद कुरान क्या है आपके लिए, सोर्स ऑफ गाइडेंस है, इट इज अ प्राइमरी सोर्स। मतलब आपके पास अगर कुरान नहीं है, कुरान के अंदर कोई रूलिंग नहीं है, और उस वो हदीस जैसे कोई रूलिंग ऐसी है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है कुरान से, तो हम उसको फॉरन रिजेक्ट कर दो। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इस्लामिक लॉ के अंदर कुरान है, तो कुरान इज अ प्राइमरी सोर्स। फिर कुरान अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं अल्लाह से क्लोज हूंगा, मैं अल्लाह से करीब हो जाऊंगा, मुझे ये बात पता चल जाएगी कि अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे ये पता चल जाएगा कि अल्लाह मुझसे क्या नहीं चाहते। मुझे जब मैं कुरान पढ़ूंगा, कुरान अगर समझूंगा, तो मुझे ये पता, मुझे मेरी लाइफ के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो कुरान अभी भी रेलेवेंट है, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि कुरान रेलेवेंट नहीं है। आज भी हमारे घरों के अंदर कुरान पढ़ा जाता है, वो अलग बात है कि उस जमाने वाली हम इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे, रेलेवेंट अभी भी है। हम गलतियां कर रहे हैं कि हम कुरान प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहे, हालांकि अब तो बहुत आसानी है, अब एक घर के अंदर हमारे पास छह छह सात सात कुरान पाक पढ़े हुए होते हैं, लेकिन तौफीक किसी को नहीं होती कि खोलकर पढ़ लें। लेकिन पहले जमाने के अंदर कुरान गिनती के दो तीन लिमिटेड होते थे, सही है, एक ही पब्लिशर इतने नहीं थे, कम पब्लिशर थे। अब आपके पास इतनी सारी एप्स आ गई हैं, इस्लाम 360 है, बहुत सारी एप्स ऐसी हैं जो कि आपको कुरान और हदीस के बारे में बता रही है। लेकिन हमें तौफीक जब मिलेगी, जब हम स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से फारिग हो जाए, तो हम क्या करेंगे कि हम जो है वो इन चीजों पे ध्यान देंगे। तो मसला सारा क्या है, हमारे अंदर रेलेवेंट तो अभी भी है, सही है। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने आंसर के अंदर लिखना है कि आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, एंड देन आपने अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आप लोगों को ये समझ आया या नहीं आया, सही है। आप लोगों को इसके सॉल्व आंसर मिलेंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस ये बता दें कि समझ आया या नहीं आया। अब एक और सवाल है, टू व्हाट एक्सटेंट कुरान इज द बेसिस ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। कुरान किस, मतलब कितने, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब क्या होता था, किस हद तक कुरान इज द बेसिस ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। तो आप ये बताएंगे कि होली कुरान इज द फर्स्ट सोर्स, प्राइमरी सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, और इसके आगे हम जबान नहीं चला सकते। और ये क्या है, इसके अंदर एक तो करप्शन नहीं है, क्योंकि बाकी बुक्स करप्ट हो गई थी, ये करप्ट नहीं हुई, तो ये परफेक्ट, और ये अल्लाह ताला की आवाज है। तो इसके अंदर क्या है कि ये ही आपके पास फाउंडेशन है, इसके अलावा हमारे पास कोई वो नहीं है। तो मतलब ये बेसिस है, अगर कोई भी लॉ कुरान के खिलाफ जाएगा तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, सही है। तो आप क्या बताएंगे कि होली कुरान जो है वो फर्स्ट सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, करप्शन इसके अंदर जो है वो आपके पास नहीं भी, क्योंकि परफेक्ट रहेगा टिल एंड, ऑल अदर सोर्सेस डिपेंडेंट ऑन कुरान, और अगर अगेंस्ट जाएंगी तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। कुरान जो है वो एक परफेक्ट बुक है, क्योंकि वो आपके पास हर चीज का सॉल्यूशन दे रहा है, सही है। सर सॉल्यूशन नहीं दे रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन नहीं दे रहे, आप कैसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन दे रहे। मसला ये है कि आप इसलिए कह रहे हैं कि सॉल्यूशन नहीं दे रहे क्योंकि आपने अभी तक कुरान को पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा तो समझा नहीं। जिस दिन आपने कुरान को समझ लिया, तो उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इस्लाम से बेहतर कोई रिलीजन नहीं। अभी तो आप लोगों के दिमाग में ये शायद ख्यालात आते हो, जब टीन एज होती है ना, तो ये ख्यालात आते हैं कि एंड में क्या होगा, हेवन कैसी होगी,
दुनिया आखिरत कैसी चलती रहेगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे। फिर ये सवाल आता है कि क्या पता हिंदू सही हो, क्या पता कोई और सही हो। फिर ये सवाल आता है कि हमारा अल्लाह कैसा होगा, हमारे अल्लाह ताला की बिगनिंग कैसे भी होगी। ये सवाल आता है, सही है। जब ये हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें इसके जवाब मिल जाएंगे, जब हम अपने उलमाज और कुछ सुनेंगे तो हमें इसके जवाब मिल जाएंगे, जब हम स्नैपचैट एंड इंस्टाग्राम से फारिग हो जाएंगे और ये बाकी फेसबुक ये बाकी जितने भी आजकल आए हैं ये जितनी भी चीजों से अगर हम फारिग हो जाएं तो हम अच्छे मुसलमान बन सकते हैं और हम अच्छी चीजें समझ सकते हैं, सही है। फिर आप ये बताएंगे कि हमारे पास ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नेशन के लिए नहीं है, ये हर जनरेशन के लिए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे पोता पोती हो, कोई भी हो, चाहे मेरी जो है वो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन मेरे बाद जो है उसके लिए, हर किसी के लिए कुरान जो है वो क्या है, बेसिस है। और टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट कुरान इज द बेसिस ऑफ लीगल थिंकिंग इन इस्लाम। कुरान नहीं होगा तो आपके पास इस्लामिक लॉ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, चाहे वो इज्मा हो, चाहे वो कियास हो, चाहे वो हदीस हो, हर चीज कुरान पे वो डिपेंड करती है, क्योंकि कुरान आर द वर्ड्स ऑफ अल्लाह और वो कभी करप्ट नहीं। तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास आपका आंसर।